कुशवाहा अपना पुश्तैनी घर जनता दल यूनाइटेड को समझता है और यहाँ से ही सभी कुशवाहा समाज का कल्याण होता है। बीजेपी इस पर विस्तार से बताएंगे। सब लोग यहीं से उस वहाँ तक के पहुँचे हैं, उनको यहीं से मिला है उनको मौका। भारतीय जनता पार्टी नए अध्यक्ष को लेकर काफी चिंतित है कि आने वाले दिनों में वो अध्यक्ष कैसे काम करेंगे। हालांकि चुनौती बड़ी है, बिहार में 2025 चुनाव अध्यक्ष के नेतृत्व पर बड़ा असर डालता है। सम्राट चौधरी को बनाया गया है, कुशवाहा समाज के नेताओं को अब लगातार बिहार में सभी दल आगे बढ़ाने की बात कह रही है। लेकिन इसी बीच उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया। सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उमेश कुशवाहा के बयानों ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों की उनकी रणनीति क्या है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि ये भाजपा का मामला है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में बची खसी जो कसर थी, बचा हुआ जो वोट बैंक था, वो उमेश कुशवाहा सम्राट चौधरी लेकर चले जाएंगे। ये बयान सुनते ही उमेश कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया कि ये तो भाजपा का मामला है। दरअसल उमेश कुशवाहा इन सवालों का कहीं ना कहीं सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए, या उमेश कुशवाहा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सम्राट चौधरी अध्यक्ष बने या कोई, जनता दल यूनाइटेड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रदेश कार्यालय में सम्राट अशोक जयंती को लेकर आज पहुंचे थे उमेश कुशवाहा और उन्होंने बयानों के जरिए यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों की जदयू की रणनीति क्या है। साथ ही उन्होंने ये भी तय कर दिया है कि कुशवाहा समाज का पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी घर जनता दल यूनाइटेड ही है, तो इसके अलावा कुशवाहा समाज कहीं नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो लगातार बिहार को और जनता दल यूनाइटेड को सेवा करने का मौका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे। जनता समय पर जवाब देगी। सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्या लग रहा है कि जो है वो तब्दील हो जाएगा बीजेपी के तरफ? देखिए, ये तो बीजेपी के पार्टी का मामला है, बीजेपी इस पर विस्तार से बताएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि कुशवाहा अपना पुश्तैनी घर जनता दल यूनाइटेड को समझता है और यहाँ से ही सभी कुशवाहा समाज का कल्याण होता है। आप देख रहे हैं जो लीडर जहाँ आप इशारा कर रहे हैं, सब लोग यहीं से उस वहाँ तक के पहुँचे हैं, उनको यहीं से मिला है उनको मौका, इसीलिए हम उस पर विशेष कुछ कहेंगे नहीं। अब वो कह रहे हैं कि खखोरनी भी नहीं बचा है आपके डब्बे। अरे बोलने के लिए कुछ है उनको, उन पर कुछ कहने के लिए है बाकी है बचा हुआ का? उनको आज जिस तरह से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान देने का काम किया, ये दोहराने की चीज है, सब लोग जानते हैं, सब विदित है। और आज किसके गोद में जाके खेल रहे हैं, कहाँ हैं, किस विरासत बचाने की बात कर रहे हैं? जो गांधी जी लोहिया जी जो विरासत देखे हैं, विरासत उनकी विरासत वो बचाने की बात कर रहे हैं, जो आज जिनकी आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रही है। थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।